विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई जिसमें उन्होंने बताया कि सत्र का दूसरा सदन ऐतिहासिक रहा जिसमें महिलाओं को एक दिन का पूर्णतः सदन चलाने के लिए मौका दिया गया, उनको पूर्ण बोलने का मौका दिया गया जो एक नजीर पेश हुई जिससे पूरे देश में एक नया संदेश गया। और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि आने वाले सत्र में नए विधायकों को पहले मौका दिया जाएगा बोलने के लिए जो पहली बार चुन करके आए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक नए नए प्रयोग होगा जिसे पत्रकारों के लिए भी दीर्घा का काम होगा और विधानसभा की लाइटिंग साज सज्जा का भी काम नए तरीके से किया जाएगा जो देश में उत्तर प्रदेश की विधानसभा मिसाल कायम करेगी। Thank you.
में आजकल यूट्यूब के ऊपर लाइव है, टीवी के ऊपर भी अब सुबह मालूम है, टीवी न्यूज पेपर दिखा रहे हैं, पूरे हमारे काम कर रहे हैं वो सारे की सारी एक कल्चर चेंज हुआ हुआ नजर आया। इसलिए मैं क्या मैं पिछली बार कहा था कि मैं हमारी पत्रकार मित्रों का जो चीज है वो पूर्ण है, उसमें मैं खुद पर्सनली किया था, पर्सनली लोगों ने मुझसे अपेक्षा करी थी, मैंने उसको करवाया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एमएलए का
सिचुएशन में आप सब हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे घर में बैठ कर ही थे, मेरे पास है ऐसा करते जिस समय मैं आप सब में बैठ कर रहा था, ऑपोजिशन में था इसलिए तुम्हारे वो गौरव के लिए भी प्रदान नहीं करते कि गौरव नहीं थे आज एक मैं आप सारे आप बैठे बैठे जी पार्टिसिपेट करते हुए बड़ी संख्या में नोटिस हमारे विधायक को बुलाते हैं, बड़ी संख्या में नोटिस ले जाते हैं, बड़ी संख्या में प्रश्न लगाने हैं, बड़ी संख्या में जो भी विभिन्न नियमों के अंतर्गत सूचनाएं वो दे रहे हैं। बहुत समय के बाद गैर सरकारी दिवस के ऊपर जो सूचनाएं आपने हमें छोटी थी वो भी मैंने पूरी की पूरी ली और मैं उसको अपडेट कराई वापस हुई पूरी तो जो भी लखनऊ से जनवाड़ी के लिए विजय पांडे।